लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है, ऐसे में विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों ही चुनाव जीतने के लिए हर पैंतरा अपना रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। सचिन ने कहा, चुनाव के पांचवें चरण के बाद बीजेपी और एनडीए में बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। इनका 400 पार का दावा तो बैठता दिख रहा है। देश में जहां भी गया, जमीन पर बदलाव का मूड दिखा। इस लंबे चुनाव से एक चीज निकल कर आ रही है कि फिलहाल कोई लहर नहीं है, लोग बस बदलाव चाहते हैं। सचिन ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो, अग्निवीर और किसानों का भी जिक्र किया और इस एक वजह से भाजपा को धन्यवाद भी कहा। सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव में इतने दल लड़ रहे हैं लेकिन चर्चा केवल कांग्रेस मैनिफेस्टो की हो रही है, तो इसका कुछ श्रेय हम बीजेपी को देना चाहते हैं। कांग्रेस पहली पार्टी है जिसने एमएसपी पर कानून बनाने की बात कही। बीजेपी ने किसानों से वादे के बाद भी नहीं किया। हम लोगों ने स्टैंड लिया कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। हमने कहा कि अग्निवीर को रद्द कर पुरानी भर्ती योजना चालू करेंगे, हर गरीब और हर परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो लिखित है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है किसी को नहीं मालूम है, वो सिर्फ जुमले हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।